बिरयानी शब्द सुनते ही हम सबके दिमाग में हैदराबादी बिरयानी का नाम आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया में टोटल 26 से ज्यादा तरह की बिरयानी एग्जिस्ट करती हैं। जी हां, और उन सभी में से सारी मेन तरह की बिरयानी आज हमने ऑर्डर करके आपके लिए मंगा ली है। तो चलिए देखते हैं कैसी दिखती है हर तरह की चिकन बिरयानी। तो भाई बिरयानी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, तो बिरयानी का ओरिजिन हुआ था पर्शिया में और अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए वो इंडिया में पहुंची थी, और इंडिया में अब इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि जोमैटो स्विगी की साल की सबसे ज्यादा ऑर्डर करी जाने वाली डिश ही बिरयानी है। तो सबसे पहली बिरयानी जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, दैट इज द फेमस हैदराबादी चिकन बिरयानी। मतलब वर्ल्ड वाइड भी अगर जाना जाता है ना बिरयानी को, तो वो हैदराबाद की ही चिकन बिरयानी के नाम से जाना जाता है। बाकी इसको टेस्ट कर लेते हैं, और आज ही हम पता लगाएंगे भाई जो बिरयानी में इतना हल्ला फैला हुआ है ना कि कोलकाता वाली बेस्ट है, लखनऊ वाली बेस्ट है भाई, मुंबई की बेस्ट है, सिंधी की बेस्ट है, अवध की बेस्ट है, तो आज पता लगाते हैं कौन सी बिरयानी एक्चुअली में बेस्ट। तो ये देखिए, ये है हमारी हैदराबादी चिकन बिरयानी, लेट्स गिव इट अ ट्राई। कड़क बॉस, हैदराबादी चिकन बिरयानी की तो बात ही कुछ और है, और मैंने इससे भी बेटर हैदराबादी चिकन बिरयानी खाई है। ये जिस जगह से हमने मंगाई है उस वजह से थोड़ी मुझे कम बढ़िया लग रही है। रिच इन फ्लेवर, रिच इन स्पाइसेस, और इसके जो मसाले होते हैं ना वो तो भाई टू गुड होते हैं। मतलब हैदराबादी बिरयानी में तो मजा आ जाता है। ये बिरयानी तो है पास, लेकिन जीती है नहीं, वीडियो के एंड में बताएंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली बिरयानी की तरफ। अगली बिरयानी का नाम है मुरादाबादी चिकन बिरयानी, और जैसा कि इसका नाम बताता है ये बिलोंग करती है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। शक्ल से बाकी आप इसकी देखकर आप समझ ही सकते हो कि ये बिरयानी बिल्कुल ही प्लेन स्पाइसेस के साथ बनाई जाती है, और थोड़ी सी फीकी होती है देखने में भी। प्राइस इसका भी 500 से 600 रुपए पर किलो के अराउंड जाता है। आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ट्राई करते हैं अपनी मुरादाबादी चिकन बिरयानी। हां, ऐसा लग रहा है चिकन भी बॉइल्ड है और मसाला तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। स्पाइसी बिरयानी का बात ही अलग है यार। तो ये बिरयानी चाहे दिखने में कैसी भी दिखती हो ना, मसाले इसके अंदर भी है, मसालेदार ये बिरयानी भी है, बस उतनी स्पाइसी नहीं है। टेस्टी मुझे ये भी लग रही है। कभी कभी मन होता है ना लाइट स्पाइसेस वाली खाने की, तो मुरादाबादी मेरी फेवरेट है। बाकी आपको कौन सी बिरयानी ज्यादा पसंद है कमेंट करके बताना। हम बढ़ते हैं अपनी अगली बिरयानी की तरफ। तो गाइस, अगली बिरयानी हम लेकर आए हैं स्ट्रेट फ्रॉम कोलकाता, और इसका नाम भी है कोलकाता की चिकन बिरयानी। इस बिरयानी की खासियत आप इसके ऊपर ही दे सकते हो कि इस बिरयानी के अंदर आलू होता है और उबला हुआ अंडा होता है। करीब करीब ये 400 रुपीज की हमें पड़ी है। आप मान लो मेरे ख्याल से हाफ बिरयानी हमें 400 की पड़ी है, ये भी करीब 800 रुपए किलो के अराउंड जाती है। इसके साथ हमारे पास ये रायता भी आया है, तो भाई रायता के साथ भी बिरयानी एक तो मतलब बढ़िया लगती है यार। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कोलकाता बिरयानी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बांग्लादेश और कोलकाता मतलब बंगाल रीजन के लोग पहले के समय में अगर वो चिकन नहीं अफोर्ड कर पाते थे, इस वजह से वो बिरयानी में आलू और अंडा डाल के खाते थे, और तब से एक प्रथा बन गई है कि कोलकाता बिरयानी में आलू और अंडा होता है। बाकी आपको कोलकाता की बिरयानी कैसी लगती है आप कमेंट करके बताना। भाई मुझे तो ये जबरदस्त लगी है सरसों दाल। सही नोट पे बताऊं तो भाई हैदराबादी बिरयानी इतनी स्पाइसी थी, इसी वजह से ही ज्यादा फ्लेवरफुल लग रही थी, लेकिन कोलकाता बिरयानी एक बैलेंस्ड ऑफ स्पाइसेस सर्व करने के बावजूद इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट दे रही है ना कि भाई मजा आ गया। कोलकाता बिरयानी ने मतलब समा बांध दिया, एक नंबर बिरयानी है हमारी कोलकाता बिरयानी। और भी दावेदार बचे हैं ना मैदान में, और चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली बिरयानी की तरफ। अगली बिरयानी हम लेकर आए हैं नवाबों के शहर लखनऊ से, और इसका नाम है लखनवी चिकन बिरयानी। चिकन का कुछ ऐसा टेक्सचर आ जाता है जो दिखने में ऐसा लगता है इसका सालन हमारा कुछ इस तरीके से दिखने वाले कलर में आया है। बड़ा गाढ़ा ही बड़ा रिच इन टेक्सचर लग रहा है। लेट्स ट्राई द लखनवी हांडी दम। मैंने इतने बढ़िया बढ़िया नगीने टेस्ट कर लिया ना इससे पहले कि भाई लखनवी हांडी चिकन दम बिरयानी ना कहीं फीकी पड़ गई। हांडी की वजह से जो टेक्सचर है जो दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, वो टेस्ट में इतना खास नहीं लग रहा है। तो लखनवी चिकन बिरयानी काइंड ऑफ इस एवरी टाइप ऑफ बिरयानी में हो गई फेल। बढ़ते अपनी अगली बिरयानी की तरफ। अगली बिरयानी हम लेकर आए हैं फ्रॉम द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जिसका नाम है सिंधी बिरयानी। पीले राइस, मतलब अगर आपको कहीं से भी स्पॉट करनी है ना कि कौन सी बिरयानी कैसी है, तो मुरादाबादी आप बिल्कुल व्हाइट राइस के साथ स्पॉट कर सकते हो, वैसे ही आप सिंधी बिरयानी इनके पीले चावलों के साथ स्पॉट कर सकते हो, जिसको शायद कलर दिया जाता है बाय हल्दी। कुछ ऐसा आपका चिकन सिंधी बिरयानी का लगता है। इस बिरयानी के अंदर हल्की सी खटास होती है जो आती है इसकी प्रोसेस में यूज होने वाली दही से। हाँ, ये पुलाव जैसी लग रही है यार। ये देखो, ये है हमारी सिंधी बिरयानी। ये चावल वाले कैसे हैं जो हमारे घरों में आलू मटर वाले चावल बनते हैं ना। लेकिन भाई बिरयानी ये भी एवन है, होम कुक्ड स्टाइल बिरयानी लग रही है, बहुत बढ़िया। सिंधी बिरयानी भी मेरी रैंकिंग में हो गई
पास। अब बढ़ते हैं अपनी आज के दिन की आखिरी बिरयानी की तरफ। तो भाई इंडिया में मिलने वाली 26 तरह की बिरयानी भी हम लोगों के लिए कम पड़ गई, क्योंकि अगली बिरयानी की कैटेगरी में आपको दिखाने वाला हूँ, दैट इज द रेडी टू ईट कैटेगरी वाली बिरयानी। प्राइस है इसका 180 रुपए की 330 ग्राम, मतलब करीब करीब ये भी 800 रुपए किलो है, और ये पैक्ड बिरयानी है। पैक्ड बिरयानी यार, बिरयानी का मतलब यही नहीं था कि फ्रेश, और भाई और जो अरोमा निकलता है और जो फ्रेग्रेंस निकलती है, जो गर्मा गर्म बिरयानी लगती है, लेकिन ये पैकेट वाली बिरयानी कैसी लगेगी वो भी हम अभी पता लगा लेते हैं। इसको आप स्टोर करके रख सकते हो कुछ महीनों के लिए भी, और भाई इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी एडेड आर्टिफिशियल कलर नहीं है, और ये अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो भाई मेरे को एक तो ये समझ नहीं आता, विदाउट प्रिजर्वेटिव कैसे आप स्टोर करके रख सकते हो कि ऐसी चीज जो कि इंस्टेंटली खाई जानी चाहिए। लेकिन कोई नहीं, पका लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें पानी उबालना है। भाई पानी हमने गर्म कर लिया, अब इस बिरयानी के कंटेनर को 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसी के अंदर। तो ये है हमारी रेडी टू ईट बिरयानी। ये 1 साल की शेल्फ लाइफ वाली बिरयानी टेस्ट में कैसी लगती है चलिए पता लगाते हैं। लेकिन ये बिरयानी पता है उनके लिए अच्छी है जिनको ना अगर ये ट्रैवल वगैरह में यूज़ करनी है, जो फॉरेन कंट्री जा रहे हैं वहाँ पे बिरयानी नहीं मिलती, तो ऐसी जगह पर ये बिरयानी मेरे ख्याल से अच्छी रहेगी। रेडी टू ईट बिरयानी। ना भाई ना, ये बिरयानी में मजा नहीं आया यार। सबसे डिसअपॉइंटिंग बिरयानी अगर कोई थी तो मेरे ख्याल से ये वाली बिरयानी थी। चावल तो ऐसा लग रहा बिल्कुल ही कच्चे खा रहा हूँ, और बिल्कुल ही बासी चावल मैं इसके अंदर खा रहा हूँ। तो भाई मेरा जो असली जो दो दावेदार हैं ना जीतने के, वो है कोलकाता बिरयानी और सिंधी। हैदराबादी वगैरह तो फेल हो गए, शायद हमने ढंग की जगह से नहीं मंगाई। सिंधी बिरयानी तो होम कुक्ड स्टाइल लग रही है, लेकिन कोलकाता बिरयानी एक्सेप्शनल। कोलकाता बिरयानी मेरी आज की वीडियो की है सबसे फेवरेट बिरयानी। बाकी आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट करके बताना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई विल एंजॉय द कोलकाता बिरयानी। सिंधी मेरी है, सिंधी मेरी है।